हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिए हैं। जिनकी परीक्षाएं फरवरी मार्च 2024 में हुई थी, उनके रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिए हैं। यानी आपका जनवरी 2023 सेशन होगा और आपकी परीक्षाएं लगभग जनवरी 2000 सॉरी फरवरी और मार्च 2024 में हुई थी, तो आपके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। रिजल्ट आपको किस प्रकार चेक करना है और बाकी के रिजल्ट कब तक आएंगे और किन किन के रिजल्ट अभी तक आए हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और इस वीडियो के नीचे VMOU कोटा के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की जो भी जानकारी आएगी, यानी न्यूज आएगी, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले वहीं पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और VMOU आपको वहाँ पे सर्च कर देना है। VMOU जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये दोस्तों पहली वेबसाइट आएगी, VMOU.ac.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको इस प्रकार अपने मोबाइल में नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दिखेगा, उसके बाद रिजल्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। इस रिजल्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अगर नहीं दिखता है तो आपको इस प्रकार स्क्रॉल करना है, आगे भी देख सकता है। तो आपको रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा, लगभग पहले ही आपको पेज पर दिख जाएगा। आपको रिजल्ट पे क्लिक कर देना है, व्यू रिजल्ट पे। व्यू रिजल्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा कि यहाँ पे अभी तक कौन कौन से कोर्सेज के रिजल्ट जारी हुए हैं, जैसे BBA ED और BBA PA, BBA RJ, BBA SO। इसका मतलब है कि BA एडिशनल डिग्री है जो उसका ED PA और RJ और SO इन सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। बाकी BBA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इन सब का जारी हो चुका है। BCA थर्ड ईयर का जारी हो चुका है। और BCOM सेकेंड L3, इसका मतलब है कि BCOM लेटरल एंट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी हुआ है, और BCOM लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का रिजल्ट जारी हुआ है, और नॉर्मल BCOM फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका भी रिजल्ट जारी हो चुका है। यहाँ पे BSc AZO लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो एडिशनल BSc है जूलॉजी में उनका रिजल्ट जारी हुआ है। जो नॉर्मल BSc होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, जूलॉजी वगैरह, वो केमिस्ट्री है, उनका अभी तक जारी नहीं हुआ है। जो नॉर्मल BSc होती है उसका जारी नहीं हुआ है, ये एडिशनल BSc का जारी हुआ है। और नॉर्मल BA का भी जारी नहीं हुआ है, एडिशनल BA के कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं MA इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर का, यानी MA इकोनॉमिक्स जो कर रहे हैं उनके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है। और MA HDL फाइनल, इसका मतलब है कि MA हिंदी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लेटरल एंट्री का रिजल्ट जारी हुआ है। L का मतलब है लेटरल एंट्री, यानी जिन्होंने फर्स्ट ईयर किसी और यूनिवर्सिटी से की थी और अभी फाइनल ईयर है वो VMOU से की है, उसका मतलब होता है लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री वालों का रिजल्ट जारी हुआ है। बाकी जिन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही वर्धमान महावीर से की है तो उनका अभी MA हिंदी फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। यानी जिसके पीछे L नहीं लिखा हुआ है वो नॉर्मल, और L लिखा हुआ है वो है लेटरल एंट्री। और MA मैथमेटिक्स फाइनल का और MA मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है। और MA PS यानी MA पॉलिटिकल साइंस लेटरल एंट्री फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है। और MA राजस्थानी फाइनल ईयर और MA राजस्थानी प्रीवियस ईयर और MCOM प्रीवियस ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो रिजल्ट देखने के लिए आप सबसे पहले तो अपना ऊपर देख लेना कि आपके कोर्स का रिजल्ट आया हुआ है या फिर नहीं है। आपको डेली यहाँ पे चेक करते रहना है। जो बाकी के कोर्सेज है BA BSc BCOM MA MSc, जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, उनका रिजल्ट जून महीने में लगभग सभी कोर्सेज का रिजल्ट जारी हो जाएगा। 15 जून तक लगभग सभी का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जो आपके स्कॉलर नंबर है, स्कॉलर नंबर को यहाँ पे आपको लगा देना है। जो भी आपके स्कॉलर नंबर है, जैसे मान लो ये स्कॉलर नंबर है, ये मैंने आपको यहाँ पे लगा दिए। स्कॉलर नंबर के बीच में आपको यहाँ पे जो डैश दिख रहा है वो डैश लगाना है, अन्यथा आपका रिजल्ट नहीं दिखेगा। ये स्कॉलर नंबर लगाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। आप सर्च प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तभी आपका यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम पे आएगा। अगर आप सर्च प्रोग्राम नहीं करोगे तो आपका सिलेक्ट प्रोग्राम नहीं आएगा। और अगर आपका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो भी यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे पहले आपको देख लेना है, अगर आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया है तो यहाँ पे आपके कोर्स का नाम लिखा हुआ आएगा, उसके बाद स्कॉलर नंबर लगाना है, फिर सर्च प्रोग्राम पे क्लिक करना है, तब यहाँ पे आपको जो भी आपका कोर्स है वो आ जाएगा। वो सिलेक्ट करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। अगर आपके रिजल्ट में NC है, यानी थ्योरी पेपर में NC है, तो आपके जुलाई में दोबारा डिफॉल्टर फॉर्म भरे जाएंगे। उस समय आप डिफॉल्टर फॉर्म भर के दोबारा एग्जाम दे सकते हो। NC का मतलब होता है नॉट क्लियर। और अगर आपके रिजल्ट में SC लिखा हुआ है तो SC का मतलब है सक्सेसफुली क्लियर, यानी आप पास हो चुके हो। अगर आपके असाइनमेंट में आपने जमा करवा दिए हैं फिर भी 0-0 नंबर दिए हैं तो आपको वेट कर लेना है। असाइनमेंट के नंबर बाद में ऐड होते हैं सभी कोर्सेज के, तो आपके बाद में ऐड हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी जिनके थ्योरी पेपर में NC आया हुआ है, या तो वो आपका जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप रीचेकिंग भी करवा सकते हैं, और रीचेकिंग नहीं करवाना है तो आप जो जुलाई में डिफॉल्टर के फॉर्म भरे जाते हैं वो डिफॉल्टर फॉर्म भर के दोबारा अपना एग्जाम भी दे सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और बाकी जिन जिन कोर्स के जब भी रिजल्ट जारी होंगे उस दिन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर आपको रोज अपडेट मिलती रहेगी कि किस किस सब्जेक्ट का रिजल्ट आज जारी हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।